ऐसे भाभी बात कर रहे थे, बात करके बस हमको पसंद पड़ गया, हम ये निकल गए, शादी कर लिए दोनों बार। उसको राजी नहीं है, उसे शादी की, उसको राजी है, उसको साथ रहेंगे। डर भय भी है तुमको? ना डर नहीं, उसे शादी की उसी साथ रहेंगे। मुजफ्फरपुर में भतीजे ने बुआ से शादी कर ली। भतीजे का फुआ के लिए प्यार का ऐसा परवान चढ़ा कि सात जन्मों के बंधन में दोनों बंध गए। यह मामला औराई थाना क्षेत्र के जोंकी गांव का बताया जा रहा है, जहां फुआ और भतीजे के बीच प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने अपने परिवार वालों की परवाह किए बगैर घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लिया। जिससे नाराज लड़की के पिता ने औराई थाने में आवेदन देकर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस खोजबीन कर लड़की को बरामद कर लिया और थाने में ले आई। कैसे संपर्क हुआ, कैसे भागे? बात कर रहे थे, बात करके बस हमको पसंद पड़ गया, हम ये निकल गए, शादी कर लिए दोनों बड़ा मुजफ्फरपुर मंदिर में। अच्छा, क्या बहाना बनाकर घर से निकले थे? पीछे बहाना नहीं करके निकले। कैसे निकले? सीधे निकल गए, शादी कर ली। हाँ, शादी कर ली। अच्छा, पिता के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि अपहरण तुम्हारा कर लिया गया है, क्या है? हम उसको राजी नहीं है, उसे शादी की, उसको राजी है, उसको साथ रहेंगे। डर भय भी है तुमको? ना डर नहीं है। मम्मी पापा से डर लग रहा है? कुछ नहीं करेंगे? लग रहा है। किसके साथ रहोगी? उसे शादी की, उसे साथ रहेंगे। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों को लड़के के परिजन के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि औराई थाना क्षेत्र के सरिता को अपने पड़ोसी भतीजे अखिलेश पासवान से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों घर से फरार हो गए और कोर्ट मैरिज कर ली। इधर लड़की के परिजन ने औराई थाने में अखिलेश पर अपहरण का केस दर्ज करने के लिए आवेदन दे दिया। इसके बाद दोनों प्रेमी युगल ने औराई थाने पहुँच कर पुलिस को सारी बात बताई। फिर पुलिस ने लड़की के पिता को थाने बुलाकर जानकारी दी। इसके बाद लड़की के पिता ने अपहरण का आवेदन वापस ले लिया। गणेशी पासवान के द्वारा थाना पे प्राथमिकी एक आवेदन दिया गया कि मेरी बेटी को अखिलेश पासवान ये अपहरण कर लिया। जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि वो लड़का लड़की थाने पर आए और शादी के जोड़े में आए, और उसके बाद लड़का और लड़की के दोनों परिवार को बुलाया गया। तो लड़की बोली कि हम लड़का के साथ रहेंगे, तो दोनों बालिग हैं। तो लड़की पक्ष वाला बोला कि क्या हम ये जहाँ जाना चाहते जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम अपना केस वापस लेते हैं, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करेंगे। अच्छा, कैसी स्थिति में लड़का लड़की आए हैं थाना पर? शादी के जोड़े में। अच्छा, पिता के द्वारा क्या आवेदन दिया गया था? मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।